हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ लोगों की क्वेरी आई थी कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के विषय में थोड़ा सा जानकारी दी जाए, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। फाइनेंशियल ईयर क्या है? जो वित्तीय वर्ष हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, यानी वित्तीय वर्ष हमारा इस समय है जो स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल 2018 से आरंभ होके 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहा है। इसे हम कहेंगे वित्तीय वर्ष। अब इसी को इनकम टैक्स की भाषा में हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं, यानी ये जो हमारा 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहा है, इसे हम असेसमेंट ईयर 2019-20 बोलेंगे। यानी इनकम टैक्स में हमेशा हम असेसमेंट ईयर का प्रयोग करते हैं, जबकि बैलेंस शीट के लिए हम लोग वित्तीय वर्ष का प्रयोग करते हैं। यानी कि वित्तीय वर्ष हमारा इस समय 1 अप्रैल 2018 से आरंभ होकर 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहा है, और असेसमेंट ईयर हमारा इसका 2019-20 कहलाएगा। तो दोस्तों, ये थी वित्तीय वर्ष और असेसमेंट ईयर के बीच में जो लोगों को कंफ्यूजन था वो मेरा ख्याल क्लियर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।